नमस्कार फ्रेंड्स, हाजिर है बिल्कुल एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो जुड़ा हुआ है संस्कृत से। सीटेट में फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि लैंग्वेज चूज की जाती है। कुछ बच्चे इंग्लिश हिंदी करते हैं, कुछ पंजाबी, जो भी जिसकी लैंग्वेज होती है वो उसी को चूज करते हैं। तो हमारा जो वीडियो है ये हेल्पफुल है बिल्कुल उन बच्चों के लिए जिन्होंने संस्कृत को अपनी लैंग्वेज चूज किया हुआ है, और जो फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत को चूज करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि और फ्रेंड्स को भी फायदा हो सके। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखते हैं इसमें जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसमें निर्देश दिया गया, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तद आधारित प्रश्न नाम प्रश्न संख्या 1 to 5 विकल्प उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा। तो यहाँ पर दिया गया है कि आप नीचे दिए श्लोक को पढ़िए और उसमें से इस प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने। यहाँ पर आपसे एक श्लोक पूछा गया, शब्दायन्ति मधुर मिलनई कीचका पूर्ण पूर्यमाणा ससंक्त विस्त्री पुरज विजयो गीयते किनरभि निद्रास्ते मूर्त इव चेत कंद्रेशु ध्वनि सयात संगीतार्थौ ननु पशुपते तत्र भावी सामग्रे। ये श्लोक आपसे पूछा गया है जो कि रिलेटेड है कीचक से और पांडवों से, यानी जो द्रौपदी से, जो उन्होंने अपना अज्ञातवास के समय में जहाँ विराट नगर में हो गए थे वहां पर महाभारत में जो एक श्लोक दिया गया है वो इसमें पूछा गया है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कीचका किम कुर्वन्ति अनिलम पुर्यन्ति भीमेन युद्धन्ते मधुरम शब्दम उत्पादयन्ति द्रौपदी हिसन्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, मधुर शब्दम उत्पादयन्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केनारिय किम गायन्ति। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, पशुपति निंदाम मधुर गीतम कीचक वधम त्रिपुर विजयम। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, त्रिपुर विजयम। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पशुपते संगीतार्थम कदा समग्रो भवति यदा नारदो वीणा वादयन्ति यदा मुर्जो वादयते यदा गणा नृत्यन्ति यदा मेघस्य ध्वनि सयाते। तो ये है यदा मुर्जो वादते। अगला है, इदम पदम कस्मिन् व्रते निबन्धम अनुपविष्ट व्रते भुजंग पर्यावर्ते वसंतलिका व्रते या मंदा क्रांता व्रते। तो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर डी, मंदा क्रांता व्रते। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, अस्य पदस्य तृतीय पादे को अलंकार है अनव्य रूपकम अर्थांतरमन्यास या उपमा। तो इसमें है उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन दिया गया, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदंतरम प्रदत्त प्रश्नानि प्रश्न संख्या 6 से 15 विकल्पे उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा। यानी इस गद्यांश को पढ़िए और इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक उनके आंसर दीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है पूरा एक गद्यांश, अगर हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, अश्याम कथायाम कयो मर्दे संभाषणम परवर्तय। तो इस कथा के बीच में जो किन किन के बीच वार्तालाप को का वर्णन किया गया है, तो यह है वधु रज गयो चोर रज गयो रजक कुकुरयो या गधर्भ कुकुरयो। तो ये किया गया गधर्भ कुकुरयो। अगला, किमर्थम स्वाचोरम दृष्टम अपि न च भाषति दुष्टत्वात् असहायत्वात् अनादरत्वात् या असक्तत्वात्। तो इसका जो अनादरत सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट। अगला है, रजकस्य नाम है, रजकस्य क्या नाम था, नारायण विष्णु शर्मा स्वामी कर्पूर पटके। तो ये नाम था कर्पूर पटके। अगला है, गदर्वीन केनो पुआयन रजके कोपिय कोपित है चोरागमनीन गदर्भत्वेन संभाषणेन या चित्कारेन। तो ये था आंसर इसका ऑप्शन डी, सॉरी ये ऑप्शन डी चित्कारेन। अगला है, रजके कस्मात प्रबुद्ध है गदर्भ चित्करात कुकुर शब्दात चोरागमनात या सूर्योदात। तो ये था गदर्भ चित्करात, ये गलती से लग गया था हमसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, अस्य कथायाम नीति मित्र कार्यम न कुरियात स्वामी न सेवियत प्राधिकार चर्चा न कुरियात चित्कारम न कुरियात। तो इसमें है प्राधिकार चर्चा न कुरियात, दूसरों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। स्व इत अस्य पर्याय पर्याय पद है, स्व का इसमें जो पर्याय है वो क्या है, चोर है गधर्भ कुकुर या रजक, तो वो है कुकुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, आदर इतस्य विरुद्ध शब्द है, तो आदर जो है इसका बिल्कुल विपरीत अर्थक आपको बताना है, दुष्टता अनादर है कोप है सम्मान है। तो ये है ऑप्शन बी अनादर है।
अगला है बुर्विमी इति, यानी जो बुर्विमी जो वर्ड पूछा गया है ये क्या है, इसका मतलब पद परिचय, पूरा परिचय आपको शब्द परिचय देना है। ये एक में पूछा गया उत्तम पुरुष बहुवचनम, मध्यम पुरुष बहुवचनम, प्रथम पुरुष एकवचनम या उत्तम पुरुष एकवचनम। तो ये है उत्तम पुरुष एकवचन। अगला है उपविष्ट इति, वृद्धार्थ कम कृदंत है, कर्मणि कृदंत है, कर्तारी कृदंत है या वर्तमान कृदंत है। तो इसमें पूछा गया है तो इसका राइट आंसर है वर्तमान कृदंत है। अगला क्वेश्चन है सर्वो उपयुक्तम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरार्थ। आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें आपको बताया गया है कि जो सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे सही उत्तर वो उसका विकल्प का आपको चयन करना है। ये हमें पता ही है कि ये लैंग्वेज में पैडागोगी पूछी जाती है, लैंग्वेज में क्या है तो हर सब्जेक्ट में पूछी जाती है, चाहे सीडीपी हो या सब्जेक्ट हो या लैंग्वेज हो। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर से या 1 to 15 या 16 to 30 ये पैडागोगी के क्वेश्चन होते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदा अध्यापिका अवगमने कलेशान न्यूनताम च ज्ञातम परीक्षाम करोति तादृशी परीक्षा एवं भवति। तो ये ऑप्शन दिए गए उपचारात्मक परीक्षा, सिद्धि परीक्षा, नैपुण्य परीक्षा या निदानात्मिका परीक्षा। तो ये होती है ऑप्शन डी। अगला है चित्रांकने पैचार्ट यानी पाई चार्ट, मध्ये च प्रदत्तम विषयम् उपयुज्य प्रबन्धम् रचयितुम् यदा छात्रा निर्दिष्टा तदा प्रधान उद्देश्यम आयम भवति। तो ऑप्शन में पूछा गया चित्रांकतः शब्द रूपेण विषयाणाम परिवर्तनम विविध तंत्र विस्तृत अध्ययनम प्रशंसा द्वारा सृजनात्मकता पोषणम शब्दवल्या पोषणाय साहित्य कला कोषणम परविधि। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चित्रांक शब्द रूपेण विषयाणाम परिवर्तन। अगला है 18 नंबर भाषा अध्ययन आकलन च विभाग है नाम है। तो ए में पूछा गया प्रति सत्रम छात्र व्यवहारम अभिलेखनम सावधिक लेखनम परीक्षा प्रति सत्रम क्रियामाण क्रियमाणा मौखिकी परीक्षा छात्राया कालिक कार्य संग्रह ये तस्या प्रगति दर्शयेत। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी छात्राया कालिक कार्य संग्रह ये तस्या प्रगति दर्शयेत। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर रचनात्मक कलनस्य प्रधानोद्देश्य छात्र दोष अन्वेषणम उत्तीर्णताया अनुत्तीर्णम च निर्धारणम उपलब्धिम उपमानम बोधन बोध अध्ययन उन्नति करना। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर इतिवृत्त अभिलेखनस्य उपयोग है भाषिक नैपुण्यांकनेन सहायम शैक्षणिक क्षेत्राणाम प्रशस्तया जीवनस्य अभिवृत्तिनाम मूल्यानाम जीवन कौशलानाम आकलनम या डी में है छात्राणाम क्रिया उत्पाक आवश्यकता नाम विश्लेषण। तो 20 नंबर का जो राइट है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं कक्षायाम शिक्षिका विविधानाम उपायाम प्रक्रियाश्च एतद अर्थम उपयुजितम विविध छात्र प्रकाराणाम आवश्यकता पूरयितुम सब वैदर्घ्यम प्रदर्शितुम परिणाम कारितया छात्राणाम आकलयितुम शीघ्रम पद उन्नति स्थिर करतुम। तो 21 नंबर का जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। 22 नंबर है व्याकरण बोधनस्थ उत्पायम व्याकरण सूत्राणाम छात्रे कंठस्थीकरणम सह विवेकम व्याकरण सभाष्याम उपयोग है अलंकार बोधहीन केंद्रीय करणम व्याकरण कार्याणाम एकीको एकीकृतो उपयोग है। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 23 नंबर पाठस्य सवेग परिसर्पणम नाम है मंदम मंदम सावधानम च पाठस्य पठनम निर्दिष्ट सूचना अन्वेषणम पाठ्य वस्तु ने प्रमुख उद्देश्यम दृष्टुम शीघ्र अवलोकनम और एक ऑप्शन है असंबंध सूचना तैजनम। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 24 नंबर छात्रा कथाया अंतम परिवर्तय कथाम पुनर्लिखितुम यदा निर्देशन्ते तदा प्रधानोद्देश्य। तो इसके ऑप्शन में है छात्र सृजनात्मकता वर्धनम कार संग्रह कौशल वर्धनम टिप्पणी लेखन शक्ति वर्धनम या भावानुवाद कौशलम वर्धनम। तो 24 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला है उच्च प्राथमिक सत्रीय पठन कौशलम परीक्षितुम उत्तम उपायों
तो इनमें उत्तम जो उपाय है वो बताना है। इसमें ऑप्शन में दिए गए हैं अभिजात काव्यन एवं संग्रह उपयोगम, निगति पाठ्य पुस्तक उपयोग है, कठिन उत्तम पाठानुसुच्छेदानाम उपयोग है, या उचित कठिनाम स्त्राणाम अदृष्ट पूर्वाणाम अनुच्छेदनाम उपयोग है। तो 25 नंबर का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, भाषा शिक्षण नियंत्रणम नाम है यथार्थताम निर्धारितुम व्याकरण अश्य उपयोग है, या बी में है लक्ष्य भाषा है निर्लगे उपयोग है, सी में है परिवीक्षित है भाषा शिक्षणम, या डी में है उपाध्याय नियंत्रितम भाषा शिक्षणम। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। अगला 27 नंबर, छात्राणाम स्वायत्ताम प्रो उन्नति कर्तुम प्रेरणाम कार्यशु मार्गेशु एक है, पौन पुण्य छात्राणाम परीक्षणम परिपर्सनम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, सी में है कठोर अनुशासनम वदनम, या डी में है निगति पाठ्यानम स विस्तारम पठनम। 27 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, परिपर्सनम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साह उत्साह। अगला देखते हैं 28 नंबर, शिक्षा संबंध है मूलभूत अधिकार है संविधान अश्यायनेन परिष्करणेन कार्यान्वीकृत है। तो ये ऑप्शन में दिए गए हैं संविधान क्षण वतित मेन परिष्करणेन, संविधान त्रयस्थिति ये जो उसके अनुच्छेद है वो दिए गए हैं आपको, त्रिस्तवतीन सचिति मेन त्रिस्ति या क्षणस्थिति। तो ऑप्शन नंबर जो 28 का है वो है संविधान से सट स्थिति इमेन परिष्करणीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, छात्रैः कृता सर्वे भाषा दोष अध्यापकी न एव शोधनीया यत। ऑप्शन दिए गए, छात्रा शिक्षान प्रेक्षितुम स उद्देश्यम दोषान कुर्वन्ति, बी में है तद अत्यंतम दुष्करम, सी में है प्रायो दोषा भाषा अवबोधनम सूचयन्ति, डी में है दोष शोधनम भाषा बोधनस्य भागो ने। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर है वो प्रायो दोषा भाषा बोधनम सूचयन्ति। अगला है 30 नंबर, सप्रेक्षणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ी शब्दशु यथा संख्या एतत् सूचयते, व्याकरणम ध्वनि विज्ञानस्य कोश अस्य उपयोगम अर्थम च अर्थ रूपम च ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम च। तो लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 2012 में इस लैंग्वेज फर्स्ट सिलेक्ट की गई थी, उसका जो सीटेट का पेपर था वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए शेयर। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।